क्या कर रहे हैं चाचा? नहीं ऐसा मत कीजिए। रुक जाइए, रुकिए। मेरी हंडी, मुझे माफ कर दो। आज उन्होंने कादर भाई की बेइज्जती की, कल वो लोग जमात में किसी के साथ भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पागनेरी में रहना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने हम लोगों के साथ धोखा किया है चाचा, हमें इसका बदला लेना ही होगा। वो हमारे गांव को बांट देना चाहते हैं और आज साबित भी कर दिया। अब हमारी बारी है उन्हें जवाब देने की। क्या अब इस गाँव को बांटने की बात कौन कर रहा है, वो या तुम? वो मुझे बेइज्जत करके इस गाँव में दंगा कराना चाहता है। मेरे जीते जी मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ये मेरे घर का मामला है, मैं नहीं चाहता कि जमात इसमें दखल दे। जमात का मकसद लोगों को जोड़ के रखना है, वो तोड़ने का काम कभी नहीं करेगी, ये कभी नहीं होगा। आप लोग यहां आए, मुझे अच्छा लगा। अब आप जा सकते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं, हमें वेरियंडी के सत्ता की लालच का शिकार नहीं बनना है। ये इतनी जल्दी कैसे लौट आया? आयशा, इसे इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए, अपने आंसू पोंछो। क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे लौट आया? सारा लोड कर दिया? हाँ, बुक कर दिया। चेटा आपको अगले ऑर्डर के लिए कॉल भी करने वाला है। ठीक है, मैं उसे बात कर लूंगा। क्या हुआ अम्मी, इतनी परेशान क्यों लग रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने खाना खाया क्या? नहीं अब्बू, नहीं खाया मैंने। नहीं खाया? तुम जाओ जाओ, खाना लगाओ। सुबह का नाश्ता मैंने बाहर किया था, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे। अम्मी के हाथ का स्वाद और कहाँ मिलेगा? पिछली बार भी वो बच गया था, पर इस बार नहीं बचेगा। आज मैं उसे पकड़ के ही रहूंगा। क्या बात है सर? जैसे तुम्हें पता ही नहीं। अब्बा, ये लोग मेरे लिए आए हैं। तुम्हारे लिए? पर क्यों? तुमने क्या किया? अब्बू, कोई आपकी तरफ आंख भी उठाए तो मैं उसे छोड़ता नहीं। उसने तो आपको बेइज्जत किया, इसलिए मैंने उसके हाथ और पैर काट दिए। आप लोगों के बहुत एहसान है मुझ पर, मेरी जिंदगी आपकी देन है अम्मी। अगर मेरे अब्बू कोई मुसीबत में हो तो मैं किसी की जान ले भी सकता हूं और जान दे भी सकता हूं। अपने पिता पे इस हमले का बदला लेने के लिए उन्होंने कादर को मारने की कसम खाई। उन्होंने उसे 8 बार मारने की कोशिश की, पर वो हर बार बच गया।